वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पालक के बारे में। मुकामे शुक्र है कि हमारे मुल्क में हर तरह की सब्जियां काश्त की जाती हैं, जिनमें से एक पालक भी है। पालक भरपूर गिजाई खवास की हामिल एंटी ऑक्सीडेंट सब्जी है। ख़ास तौर पर जब इसे भाप में या उबाल कर पकाया जाए तो ऐसी सूरत में विटामिन ए, बी, सी और ई वाफिर मकदार में हासिल होते हैं। इसके अलावा पालक में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में हैं। पालक का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जो मोटापे से निजात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम मकदार में पाई जाती हैं। पालक में इसके अलावा पालक में जो सरतान और सोजिश से तहफ़ फराहम करते हैं, ऐसे फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं। वाज़े रहे कि दीगर सब्जियों मसलन गाजर, फूल और वलायती गोभी की निस्बत पालक सरतान की रोकथाम में ज़्यादा मौसर है। पालक में जो मादनियात तेजाबियत कम करने में माविन है, जबकि दिल और आँखों के अमराज में भी इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित होता है। ये हमारे असाब और जहन पर मुफीद असरात मुरतब करती है। असाब और रगों में गैर ज़रूरी जो चर्बी जमा होती है उसे भी जमा होने से रोकती है। इसमें मौजूद विटामिन ए की वाफिर मकदार जिल्द को मुनासिब नमी फराहम करती है, तो जल्दी बीमारियों, कील, मुहासों और झुर्रियों से महफूज भी रखती है।